Good morning, my dear students. I hope all of you are good and you are feeling absolutely fine. So students, let's get ready for today's lesson. So as you all know, today is Saturday, probably the best day of the week because tomorrow will be Sunday. So students, this week we have learned some interesting lessons and it is the good time to recall whatever we have learned so far, okay? Because it is important to learn something new, but it is also important to remember what we have learned so far. So in today's class we will be recalling all those important points which we have learned so far, so that it will help us to remember the things in detail, more deep in our minds. So bachcho, aaj हम दोबारा से रिवाइज़ करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने इस हफ्ते कवर किया है, बिकॉज ज़रूरी है ये चीज़ें को याद रखना. नई चीज़ों सीखने से पहले पुरानी चीज़ों का याद रखना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, वी स्टार्टेड दिस वीक विद दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ माय चाइल्डहुड. हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी इस स्टोरी से, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, माई चाइल्ड हुड, जिसमें APJ अब्दुल कलाम के चाइल्ड हुड के बारे में हमने जाना. और हमने ये भी जाना कि दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ. ये कहानी जो थी वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा खुद ही लिखी गई थी, बिकॉज दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज नॉवल विंग्स ऑफ फायर. सो APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उस किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर. सो उसी में से एक स्टोरी है जिसमें APJ अब्दुल कलाम अपने लाइफ के बारे में बताते हैं. अगर हम बहुत ही शॉर्टली समराइज़ करें स्टोरी को, तो स्टोरी में APJ अब्दुल कलाम अपने बर्थ से शुरुआत करते हैं. वो कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली. उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, रामेश्वरम में, जो कि एक आईलैंड है चेन्नई में नहीं सॉरी तमिलनाडु में, जिसको पहले मद्रास कहते थे. सब स्टेट को तमिलनाडु कहते हैं. वो अपने फादर के बारे में बताते हैं, सेज दैट द नेम ऑफ हिज फादर इज़ ज़ैनुल आबदीन, जिनके पापा ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, बट फिर भी इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बाद भी उन्हें एक अच्छी परवरिश की, उनको अच्छे से पाला पोसा. वो अपने मम्मी के बारे में बताते हैं कि उनकी मम्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस लेडी थी, काइंड लेडी थी, एंड शी यूज़ टू फीड मोर पीपल दैन इन फैमिली. सो वो बाहर के लोगों को, घर वालों से ज़्यादा, घर में जितने लोग थे उससे ज़्यादा वो बाहर के लोगों को खाना बना के खिलाती थी. सो दैट वॉज सो ग्रेट ऑफ हर. सो APJ अब्दुल कलाम बताते हैं अपने फैमिली के बारे में और कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली अपने मम्मी और पापा से उनकी अच्छाइयाँ सीखी हैं. आई हैव इनहेरिटेड दोज थिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स. सो वो बताते हैं कि मैं भी अपने भाई बहनों में से एक बच्चा था अपने माँ बाप का. एंड वो अपने बारे में बताते हैं, ही वॉज अ शॉर्ट बॉय ऑफ अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. उनका नॉर्मल सा पर्सनैलिटी थी, एक छोटे से हाइट के बच्चे थे, एंड ही वॉज नॉट हैविंग अ वेरी लाइक यूनिक पर्सनैलिटी. और वो अपने छोटे से पुश्तैनी घर में रहा करते थे. सो उनका घर जो था वो मस्जिद के स्ट्रीट के पास था, इट वॉज नियर द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. और उनके पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियर थे. ऑस्टियर मीन्स ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैन थे. उन्हें लग्जरी ज़्यादा पसंद नहीं थी. उनका मानना था कि हमें लग्जरीज के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. जबकि वो जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते थे, अवॉइड नहीं करते थे. फूड की ज़रूरत हो, मेडिसिन की ज़रूरत हो, क्लोथ्स की ज़रूरत हो, हमेशा पूरा किया करते थे. सो APJ अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो गया था और उस समय मैं सिर्फ 8 साल का था. आई वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड. और उस समय टैमरिंड सीड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई. तो वो ये भी बताते हैं कि कैसे मैं बचपन में टैमरिंड सीड को कलेक्ट करके दुकान में बेचा करता था और उसके बदले में मुझे 1 आना मिलता था. ही यूज़ टू अर्न 1 आना फ्रॉम सेलिंग दोज सीड्स. आगे वो बताते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ ज़ैनुल आबदीन उनको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कहानियाँ भी सुनाया करते हैं और वो हेडलाइंस भी पढ़ते थे
दिनामनी में, दिनामनी जो कि वो वहाँ के एरिया का न्यूज़पेपर है। आगे बताते हैं वो कि एज देयर एरिया वॉज अवे फ्रॉम द मेन लैंड, रामेश्वरम इंडिया से थोड़ा हटके था, थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस था, तो इस वजह से वहाँ पे वॉर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था शुरू शुरू में। लेकिन बाद में आते आते क्या होता है कि वहाँ पे रेलवे सर्विसेज स्टॉप हो जाते हैं। सो देयर एपीजे अब्दुल कलाम गॉट हिज फर्स्ट जॉब, उन्हें पहली जॉब करने का मौका मिलता है। उनके जो कज़िन ब्रदर थे शमशुद्दीन, शमशुद्दीन ने उन्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की जॉब दिलाई होती है, और उससे वो अपनी पहली वेजेस, पहली कमाई अर्न करते हैं। एंड ही वॉज वेरी फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही अर्न हिज फर्स्ट मनी। सो आगे एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से सीखी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी मम्मी पापा से सीखी, जैसे ऑनेस्टी या डिसिप्लिन, और अपनी मम्मी से मैंने फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस सीखा। मीन्स मेरी मम्मी हमेशा अच्छे पे यकीन करती थी, और वो दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा काइंड थी। आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम अपने स्कूल डेज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, एलिमेंट्री स्कूल में, और वहाँ पे मेरे 3 फ्रेंड्स थे जो कि तीनों ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। वो अपने फ्रेंड्स के नाम भी बताते हैं, रामानंदन शास्त्री, अवरिंदम एंड शिव प्रकाश। और वो ये कहते हैं कि हम दोनों अलग अलग रिलीजन से थे, बट फिर भी हम दोनों ने हम लोगों ने कभी आपस में भेदभाव नहीं किया। और वो अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली भी कभी रिलीजन को लेके कुछ गलत उन्हें नहीं बताती थी। इनफैक्ट मंदिर की पूजा के लिए जो आइडल था, जो मूर्ति होती थी, उसको ट्रांसपोर्ट करने में उनकी फैमिली मदद किया करती थी। ओके सो आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम एक एक इंसिडेंट बताते हैं अपने स्कूल से रिलेटेड। वो ये बताते हैं कि उनके स्कूल में जब वो 5th क्लास में थे, एक नया टीचर आता है, और वो नया टीचर ये नोटिस करता है कि एक मुस्लिम लड़का हु इज़ वेयरिंग अ कैप, जो कि एक कैप पहना हुआ है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि वो एक मुस्लिम लड़का है, वो एक ब्राह्मण लड़के के साथ फ्रंट रूम में बैठा है। तो टीचर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो ही आज द स्टूडेंट टू गो टू द बैक रो। वो एपीजे अब्दुल कलाम से कहते हैं कि पीछे जाके बैठो। और ये देख इस इंसिडेंट से दोनों ही बच्चों को, एपीजे अब्दुल कलाम उनके फ्रेंड, दोनों को काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं वो लोग। वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, एंड देन एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रेंड के फादर जो कि शास्त्री थे, वो वॉज अ प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल, वो टीचर को कॉल करते हैं और टीचर से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के बीच में, एंड उन्हें वॉर्न करते हैं, या तो आप सुधर जाइए या तो फिर हमारे शहर को या स्कूल को छोड़ के चले जाइए। बट टीचर आखिरी में ये रियलाइज़ करता है, और वो इस इंसिडेंट के बाद ही चेंज इन सेल्फ एंड ही बिकेम अ गुड पर्सन। वो ये चीज़ें समझते हैं कि हाँ, भेदभाव करना बिल्कुल ही गलत है। ओके सो आगे चल के हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को उनके साइंस टीचर बुलाते हैं खाने में, डिनर के लिए। उनके साइंस टीचर भी रिफॉर्म में बिलीव करते थे। उनके साइंस टीचर का भी मानना था कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, वी ऑल आर सेम। सो उनके साइंस टीचर का नाम था शिव सुब्रमण्यम। वो एक दिन उन्हें डिनर पे रात में बुलाते हैं। तो क्या होता है कि व्हेन ही गोज टू हिज होम फॉर डिनर, उनके घर जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं, तो उनकी वाइफ खाना देने से मना कर देती है, बिकॉज शी बिलीव दैट इनको अपने किचन में बुलाने से या खाना खिलाने से उनका जो एक रिलीजियस ट्रस्ट है, बिलीफ है कि एपीजे अब्दुल कलाम दूसरे रिलीजन के हैं, तो उनके आने से अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें खाना सर्व नहीं करते हैं, लेकिन उनके टीचर उसके साथ बैठते हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं, और उसे दोबारा खाने पे बुलाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं दोबारा आने के लिए, लेकिन उनके टीचर उन्हें फोर्स करते हैं दैट यू हैव टू कम हेयर फॉर डिनर वंस अगेन। एंड टू सरप्राइज, ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं हम लोग, कि जब नेक्स्ट टाइम एपीजे अब्दुल कलाम डिनर के लिए जाते हैं, उनके साइंस टीचर की वाइफ, जो कि पहले साफ इनकार किया था उन्होंने, शी सर्व फूड इटसेल्फ, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने नोटिस किया था एपीजे अब्दुल कलाम को, उसकी सिंप्लिसिटी को, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को, और ये देख के उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। और इस टाइम जब एपीजे अब्दुल कलाम उनके घर आते हैं, तो उनकी वाइफ खुद एक मुस्लिम लड़के को खाना खिलाती हैं अपने हाथों से।
आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, इंडिया भी फ्री हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी स्टूडेंट्स के पास कि वो आगे जाके पढ़ सकें और अपने भविष्य को बना सकें। सो एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो डिसाइडेड टू लीव हिज टाउन रामेश्वरम एंड शिफ्ट टू अ बिग सिटी सो दैट ही कैन स्टडी मोर। वो भी ये डिसाइड करते हैं कि आगे पढ़ेंगे वो, तो वो अपने पापा को इंसिस्ट करते हैं कि पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, और उनके पापा भी उन्हें मना नहीं करते हैं, उनके पापा उन्हें परमिशन दे देते हैं। उनकी मम्मी थोड़ा हेजिटेट करती हैं लेकिन उनके फादर उनके फादर अपनी वाइफ को समझाते हैं और कहते हैं कि वी शुड गिव आवर लव टू आवर चिल्ड्रंस बट नॉट आवर थॉट्स। तो हमें अपने बच्चों को अपनी सोच नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपनी खुद की सोच बनानी होगी, तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो, अब्दुल कलाम ने एक बार जब उड़ना शुरू किया तो वो इतनी ज़्यादा बुलंदियों पे पहुँचे, ही रीच सो हाई। इतनी छोटी फैमिली से, इतने छोटे परिवार से, इतने छोटे टाउन से निकल करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बन पाना, इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने के साथ साथ ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री दैट इज़ द प्रेसिडेंट। इंडिया का प्रेसिडेंट होना, इतनी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट होना, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए और हम सब के लिए भी। एंड दिस स्टोरी गिव्स अस द लेसन दैट इफ़ यू हैव विल ऑफ डूइंग समथिंग, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो अब्दुल कलाम वॉज अ वेरी विलिंग पर्सन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उनकी, इतनी ज़्यादा उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिली बचपन में, बट स्टिल इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद वो पढ़ाई में अच्छे हुए एंड ही फाइंड आउट हिज वे ऑन इट्स ओन। एंड आज भी हम उनको याद करते हैं, वी रिमेंबर एपीजे अब्दुल कलाम एज बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर। सो बच्चों, हमें इनसे एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से ये सीख मिलती है कि पहले तो वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए किसी का, बिकॉज़ वी ऑल आर इक्वल। बहुत से बच्चे होते हैं, या बहुत से बच्चे तो कभी भेदभाव नहीं करते, बट दे वर टोल्ड विद देयर एल्डर्स, उनके बड़े उन्हें बताते हैं कि ऐसा ना करो वैसा ना करो। एंड स्पेशली डिफरेंशिएशन बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन, हो सकता है कभी आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कहा हो कि इनके घर मत जाना या उसके घर का खाना मत खाना बिकॉज ऑफ सम और अदर सिचुएशन। सो एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि वी शुड ट्रीट एवरीबडी इक्वली। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम इतने छोटे टाउन से निकल करके इतने सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड यू हैव लर्न द इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी एज वेल। आगे चल के हम इसी लेसन में हमने एक पोम भी पढ़ी, जो कि हमने कल ही पढ़ी थी, यस्टरडे, विच वॉज नो मैन आर फॉरेन। ओके, सो नो मैन आर फॉरेन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें जानना। लेट्स स्टार्ट दिस पोम ऑल्सो, आई विल समराइज दिस पोम। सो हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? We have many ways of thinking the other people as different from us as them. They may belong in a different country, speak different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we all are same. For us, we all are human. Okay. So इस poem में poet हमें क्या बताने वाला है? Actually में क्या होता है? हमें किन्हें strange कहते हैं? हम किन्हें foreign कहते हैं? Foreigner हम किसे कहते हैं? उसी जो हमसे अलग हो, जिसकी हमें भाषा ना समझ में आती हो, जिसका अपीयरेंस थोड़ा हमसे अलग हो, जिसका कल्चर थोड़ा अलग हो, जिसके कपड़े थोड़े अलग हो, जिसके खाने का तरीका अलग हो, उसको हम फॉरेन कहते हैं, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। बट द पोएट इन दिस फॉर्म वॉज टू से कि कोई भी फॉरेनर नहीं है, क्योंकि हम सब सेम हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, वी ऑल ब्रीथ सेम, वी ऑल टेक एनर्जी फ्रॉम द सेम सन, वी ऑल ईट फूड, वी ऑल रिजॉइस ऑन आर फेस्टिवल्स एंड वी ऑल फील सैड व्हेन समथिंग बैड हैपेंस। सो
पोइट हमें बताता है कि हम में हमारे अंदर सिमिलैरिटीज ज़्यादा है, डिफरेंसेस तो एक ही कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही आप देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस इन इंडिया इटसेल्फ। तो आप क्या इंडिया को कहोगे कि वो दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे स्टेट के लोग फॉरेनर हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस पोइट में, इस पोम में पोइट हमें यही बताना बताता है। एंड द पोइट सेज, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आस एंड द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन इज लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। तो पोइट हमें यही बताता है कि हम सब एक ही हैं। हम लोग भले ही डिफरेंट कंट्रीज में हों, बिकॉज अलग अलग बॉर्डर्स बनाए गए हैं कंट्रीज के, लेकिन हम सब एक ही हैं। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग आर्मी मेंबर्स हैं जिनकी यूनिफॉर्म अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी है वो वैसे ही सांस लेती है जैसे हमारे सोल्जर्स सांसें लेते हैं। उनकी ज़मीन में भी ब्रदर्स और सिस्टर्स वैसे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, जीते हैं, और आफ्टर डेथ दे लाई ऑन द सेम ग्राउंड जैसे हमारे देश में होता है, हमारे कंट्री में होता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉग विंटर स्टार। दे हैंड्स ऑफ ऑर्स इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। सो नेक्स्ट लाइन में पोर्ट कहता है कि वो भी उसी सूरज से रोशनी लेते हैं, वो भी उसी हवा को ब्रीथ करते हैं, वो भी वही पानी पीते हैं जो भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब उनकी खेती अच्छी हो, उनका काम अच्छा हो, और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वॉर चल रहा हो या फिर स्टाफ कर रहे हो, फ्लड आ जाती है या कोई टोर्नेडो आ जाता है, आग लग जाती है, तो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम होती है। उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे हैं, उनकी लाइफ भी हमारे लाइफ जैसी है, वो भी मेहनत करके कमाते हैं, हम भी मेहनत करके कमाते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आस, वेकअप और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकगनाइज एंड अंडरस्टैंड। सो पोइट फिर से हमें सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताता है और कहता है उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं, वो भी सुबह उठती हैं और शाम को सोती हैं, वो भी मेहनत करते हैं, और वो स्ट्रेंथ है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ को हम लव से जीत सकते हैं। एंड इन एवरी लैंड लाइफ इज़ कॉमन, हम सबकी ज़िंदगी तो एक जैसी है, हम सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस एक जैसे हैं, प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, और इसको आप देखोगे तो आप खुद ही समझोगे। आप दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप नहीं जा सकते तो दूसरे कंट्रीज़ के आप ड्रामास और सीरियल्स और मूवीज़ देख सकते हो जिसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमारे कंट्री जैसा ही है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, इट्स आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे कंडेम, रिमेंबर वी हू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो पोइट हमें वॉर्न करता है, पोइट हमें इत्तला करता है, पोइट हमसे कहता है कि कभी भी आपसे कोई कहे कि आप दूसरों से नफरत करो, दूसरों से हेट्रेड करो, तो जब भी आपके मन में ये ऐसा थॉट आए कि वो दूसरी कंट्री का है वो या दूसरे रिलीजन का है, तो उनको हेट करने से पहले आप अपने आप को हेट करना शुरू कर देना, क्योंकि आपने धोखा किया है खुद से, आपने बिट्रे किया है खुद को। आप अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इस डिसीजन को गलत आप ठहराते हो अगर आप किसी और को, किसी और से हेट करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी कंट्री का, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का है। सो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। इट इज़ द ह्यूमन दैट अर्थ वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर इज एवरी थिंग आर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, रिटन बाय जेम्स किर्क। सो लास्ट स्टैंजा में भी पोइट हमें फिर से बताता है कि वी ऑल आर ह्यूमन। सबसे पहले तो हमें, सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी का रिलीजन है, हम सबसे पहले एक ह्यूमन है, देन वी आर इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड अदर्स अदर कंट्री मैन। सबसे पहले हम एक ह्यूमन हैं और हमें एक इंटायर वर्ल्ड को एक कंट्री के जैसा ट्रीट करना चाहिए। आप लोगों को बच्चों याद होगा, इफ़ यू हैव वॉच चक दे मूवी, सो इन चक दे मूवी व्हेन आमिर खान, सॉरी व्हेन द हीरो शाहरुख खान वॉज टेकिंग द सिलेक्शन, तो सबसे पूछता है कि आप कहाँ से, अपना इंट्रोडक्शन से दो, तो सब कहते हैं कि आई एम दिस फ्रॉम यूपी, आई एम दिस फ्रॉम उड़ीसा, आई एम दिस फ्रॉम बिहार, तो उनको वो तुरंत आउट कह देता है।
बट फाइनली एक लड़की आती है और वो कहती है दैट आई एम दिस फ्रॉम इंडिया, एंड दैट मेक्स द कोच शाहरुख खान वेरी हैप्पी। सो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हम कितना ज़्यादा बटे हुए हैं, वी ऑल आर सो मच डिवाइडेड, कितना ज़्यादा हम बटे हुए हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं। वी आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कंट्रीज, वी आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट रिलीजन्स, वी आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कास्ट, वी आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, वी आर डिवाइडेड इंटू एरियाज। तुम शहर के हो, तुम गांव के हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, एंड सो ऑन। कितना फ़र्क हम करेंगे एक दूसरे में। कांट वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली। तो पोइट हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। आप दूसरी कंट्रीज छोड़ो, कुछ लोग तो दूसरे स्टेट के लोगों से भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ साल पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में, यूपी और बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इनसे कहा जा रहा था कि आप अपने यूपी बिहार वापस जाओ, एज इफ दे आर इन सम अदर कंट्री। बताइए। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। पोइट हमें हमेशा कहते हैं यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बच्चों, आप सभी फ्यूचर हो। राइट नाउ जो भी सिनेरियो है उसको आप ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर आपका है। आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो हमारा वर्ल्ड जो है वो एक अच्छा वर्ल्ड बनेगा, एक पीसफुल वर्ल्ड बनेगा। सो आई होप दोनों स्टोरी से आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आई होगी, आप अच्छा सोचोगे और कभी भी किसी से डिस्क्रिमिनेट करने के से पहले एक बार आप सोचोगे कि क्या मैं सही हूँ। Am I right if I am going to discriminate somebody on the basis of religion, caste or race? So do ask this question from yourself. So I hope बच्चों आपको ये कहानी दोनों स्टोरी से, स्टोरी थी और पोम थी, आपको जो मॉरल है वो सेम है, आपको समझ में आया हो। एंड दैट्स इट। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो दोनों स्टोरीज की है हमने आज, उनके बेसिस पे मैं आपको एक टेस्ट भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक टेस्ट है जो कि सिर्फ 10 मार्क्स का है। यू हैव टू गिव आंसर्स बाय योर सेल्फ। आपको आंसर्स खुद से करने हैं और ऑन मंडे आई विल सेंड आंसर्स। तो आप अपने आप को खुद ही इवेल्यूएट करोगे। यू हैव टू सेल्फ इवेल्यूएट योर सेल्फ, क्योंकि अभी हम ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है और आपको खुद ही अपने आप को जज करना है कि आपको कितना समझ में और कितना नहीं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़।